आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचे। नज़्म और डिसिप्लिन सोचने में पाया जाता है, सोचने में। वो इंसान जो सिस्टमेटिक और मुनज्जम तौर पर सोचता है वो बेहतर नतीजे और फैसले लेता है, ज़्यादा सही होते हैं, गलतियाँ कम होती हैं, अपने भी फ़ायदे के फैसले लेता है दूसरों के। सिस्टमेटिक और मुनज्जम सोच यानी क्या? मिसाल के तौर पर जब हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, मुनज्जम सोचने का अंदाज़ क्या है कि इंसान सबसे पहले सोचे कि अगर इस बिज़नेस में कामयाबी होगी एंड में तो क्या होगा, कितनी कामयाबी होगी, कितना नफ़ा होगा, अगर इसमें नुकसान होगा तो कितना होगा, कामयाबी के चांसेस कितने हैं, नुकसान के चांसेस कितने हैं, अब तक मुझसे पहले जिन्होंने ये बिज़नेस किया है उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, इसको भी इंसान स्टडी करे, सोचे। बड़ी कामयाबी कितने साल में हासिल होगी, उससे पहले छोटी कामयाबी क्या क्या हासिल करनी है, इस बिज़नेस से मुतालिक जो कायदे कानून लॉज हैं वो क्या हैं मुझे पता होना चाहिए। यह है एक मुनज्जम अंदाज सोचने का। और गैर मुनज्जम अंदाज क्या है सोचने का? ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है, उसने किया था, बहुत अच्छा चला था, चलो मैं भी चालू कर देता हूँ। यह है गैर मुनज्जम अंदाज सोचने का। अब वो अलग बात है कि कभी कभी इंसान गैर मुनज्जम सोचने के बाद भी खुदा उस पर करम कर देता है, फिर भी वो कामयाब हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी होगा, हमेशा तो नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी में मुसलसल कामयाबी हासिल करें, अलग अलग फील्ड्स में कामयाबी हासिल करें, अपने घरेलू लाइफ में भी, अपनी बिज़नेस के लाइफ में भी, अपनी सोशल लाइफ में भी, तो हमें सोचने में मुनज्जम होना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही।